भारतीय जनता पार्टी पिछले तीन दशक से हर संघर्ष में आपके साथ खड़ी रही है। हम जल्द से जल्द इस अन्याय का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जानता हूं कि यहां पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। ये हमारा वादा है कि हम जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे जो आपके सशक्तिकरण के हर रास्ते को अपनाएगी। हम और आप ये भी जानते हैं कि एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आपकी इस लड़ाई को हम न्याय की लड़ाई मानते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान ने न्याय की जिम्मेवारी मुझ पर दी है। हम उस न्याय को सुनिश्चित करा करके ही रहेंगे। अदालत में भी आपको न्याय मिले, ये भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरी मजबूती के साथ भारत सरकार न्याय के पक्ष में आपके साथी बनकर के खड़ी रहेगी। मिथिलारा, नीकु जरुगुतुन्नटुवंटि अन्यायानिकि त्वरलोने मुगिंपु पलकडानिकि मेमु कट्टुबडि उन्नामु। मी हक्कुल कोसं चेसे పోరాటాన్ని మీ వాదను మేము గుర్తించాము। నాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది। ఇక్కడ అనేక మంది మీ హక్కుల సాధన కోసం। బేటీ బేటీ ఆప్ నీచే ఆవో బేటా, బేటా నీచే ఆవో, బేటా నీచే ఆవో। దేఖియే బేటా, మేరా మా కేటి కా మా దయచేసి బేటా, ఏ దిక్కినా దిగానే దిగా బేటా, ఏ తార్ ఇస్కా బిగడా హువా బేటా, बेटा प्लीज किंदा दिखाली, दयचेसि आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा, दिखालमा प्लीज बेटा नीचे आइए, दिखालमा बेटा, ये मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो विनो, ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है बिना बेटा, ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहां आपके लिए आया हूं, मी को समझिए प्लीज, मी को समझने उन्ना नो। आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा, आप कृष्णा जी की बात मानिए, आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। VK News, राष्ट्र के नाम।